नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 6 मां विषय हिंदी इकाई 1 दयालु शिकारी, जिसका प्रकार है चित्रपाठ और उसका साहित्य स्वरूप होता है कहानी। तो आना विषय नो अभ्यास आज आपणे करीशुं। बाल दोस्तों, लिखी हुई भाषा पढ़कर समझ सकते हैं, उसे सुनकर भी समझ सकते हैं। कभी कभी जब हम अर्थ को समझ नहीं पाते, तब हमें एक से ज्यादा बार पढ़ना और सुनना पड़ता है। भाषा का एक ऐसा माध्यम है जिससे हम प्रथम बार ही अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, और वो माध्यम है चित्र। चित्र भी एक भाषा ही है। उसे देखकर हम कह सकते हैं कि उसमें क्या कहा है, उसके द्वारा हमें क्या कहना चाहते हैं। चित्र में कहानी भी हो सकती है, और आपने ऐसी चित्र कहानी देखी होगी। आज हम ऐसा ही एक चित्रपाठ का अभ्यास करेंगे। उसका नाम है। बाल दोस्तों, शिकारी प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं। क्रूरता के कारण ही वे पशुओं का शिकार करते हैं। आज हम जो चित्रपाठ पढ़ने वाले हैं, वो है दयालु शिकारी। इस चित्रपाठ में एक शिकारी जंगल में एक हिरनी पर गोली चलाता है, परंतु बाद में उसका हृदय परिवर्तन होता है। इस कहानी द्वारा बताया गया है कि पशुओं को भी इस धरती पर जीने का पूरा अधिकार है। मनुष्य को पशुओं के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। बाल मित्रों, इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानवता का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात इस चित्रपाठ के माध्यम के द्वारा बताई गई है। दोस्तों, हवे हूँ तुम्हारे समक्ष एक चित्र रजू करू छू। एने तुम्हारे ध्यान पूर्वक पहला तो जोवानु छे। बाल दोस्तों, मैंने आपके समक्ष जो चित्र रखा है उसे आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब ये चित्र में आप कई दृश्य देख रहे होंगे। यहाँ अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं। इसके माध्यम के द्वारा हमें एक कहानी निर्माण करनी है। हम ये चित्र देखकर एक कहानी निर्माण कर सकते हैं। चित्र में जो बात बताई गई है उसके आधार पर हम कहानी रजू करेंगे। तो अब मैं तुम्हें ये चित्र के आधार पर जो कहानी होती है वो सुनाती हूँ। तो आप ध्यान से इस कहानी को सुनिए। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी को देखा। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आती ही शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे हिरण इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला और शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया।
तरह यहाँ इस चित्र के आधार पर ये कहानी संपूर्ण होती है। अब इस कहानी के आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।